हेलो गाइस, माय नेम इज लखन एंड आई लव नेचर। दोस्तों, आज मैं पानी के कुछ पक्षी लेके आया हूँ जो बड़ी बड़ी मच्छी, बड़ी बड़ी मछलियाँ पानी से पकड़ते हैं और अपने बड़े बड़े बच्चों को ला के खिलाते हैं, और कैसे ये अपने शरीर से मछलियों को बाहर निकालते हैं वो मैं दिखाऊंगा। और जो ये छोटा बच्चा है, ये 4-5 मछलियों को एक साथ अपने मुँह में ले जाएगा और किस तरीके से फंस जाएंगी ये भी आप देखोगे। सबसे बड़ी इन पक्षियों की जो विशेषता है कि अपना अंदर खाया हुआ खाना वापस अपने बच्चों के लिए कर देते हैं। आगे एक दूसरा घोंसला होगा पक्षी का, उसमें आप देखोगे कि कितनी बड़ी मछली है उसके मुंह में इस तरीके से फंस जाएगी कि वो निकल ही नहीं पाएगी, और वो घंटों तक बेचारा उस मछली को सुलझाने में लगा रहेगा। आगे देखना। और दोस्तों, इस पक्षी का मैं नाम तो नहीं जानता क्योंकि राजस्थान में पानी के पक्षी कम होते हैं तो नाम भी नहीं जानते, लेकिन एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। और दोस्तों, इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। अब यहाँ देखना, ये इसका पेरेंट्स है और ये बच्चा है। बच्चे ने मुँह में बड़ी मछली दबा ली है, और दोस्तों ये कैसे सुलझेगी दिखाता हूँ अब आपको। ये बहुत कोशिश मन्नत करता रहेगा लेकिन ये इसके मुँह में फंसी रहेगी काफ़ी देर तक दोस्तों, ये फंसी रहेगी। तो दोस्तों, मैं ऐसे ऐसे वीडियो लेके आता हूँ यार, जंगल के मुझे बहुत पसंद आते हैं क्योंकि मुझे नेचर बहुत पसंद है। मैं जानता हूँ बहुत कम लोग नेचर से संबंधित हैं। मेरे चैनल पे नील गाय को पसंद करने वाले हैं, पिकॉक्स को पसंद करने वाले हैं, लेकिन नेचुरली हर एक वीडियो लेके आऊँगा मैं। कोई भी ऐसा वीडियो हो जो प्राकृतिक हो, नेचुरल हो, मैं हर एक को अपलोड करूँगा इस पर। और दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों को भी इनको शेयर करें। प्रकृति है, अगर प्रकृति है तो हम हैं, नहीं तो हम भी नहीं रहेंगे दोस्तों। और मुझे वाकई ये जंगलों से बहुत ज़्यादा प्यार है, जंगल हो, पानी हो। इस बार राजस्थान में भरपूर बारिश हुई है, नीलगाय के वीडियो में नहीं ला सकता क्योंकि जहाँ जहाँ से मैं वो वीडियो शूट करता था वहाँ पूरे एरिया में पानी भरा हुआ है। अब कुछ भाई लोगों का कमेंट आएगा कि उस पानी के वीडियो बना के भेजो ना यार। मैं जाऊँगा दोस्तों, घंटों घंटों तक उस पानी में एक नाव बना के घूमता रहूँगा, नाव बनाऊँगा, उसमें उतरूँगा, कैमरा लेऊँगा और घूमूंगा, क्योंकि कम से कम इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा एरिया, कई घंटे तक उसमें नाव चलती रहेगी लेकिन उसका कहीं एंड नहीं होगा, इतना बड़ा एरिया है दोस्तों। तो मैं चाहूँगा कि मेरे हर एक वीडियो पर आप एक बार लाइक ज़रूर करें,